अच्छा बच्चे, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 2, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2-18. सेम लाइक इन द प्रीवियस वीडियोस, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय यूजिंग द सेम मेथड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड. अब इसके अंदर जो हम अगर देखें कि उन्होंने हमें यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बता दिया और उसके बाद वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, यू हैव टू प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट. एट द सेम टाइम दे आर रिक्वायरिंग इनकम स्टेटमेंट इन पार्ट 2. जब हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम उसके 2-3 स्टेप्स और आगे सॉल्व करें, इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट. यानी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद 2-3 स्टेप फिनिश गुड्स और माइनस बिगनिंग इन्वेंट्री, जब ये इस तरह की एक्टिविटी हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट आ जाती है. वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट की जो भी आपके आंसर्स आएंगे, दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द इनकम स्टेटमेंट, दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ, दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट नंबर 2. ठीक है, अब पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट की. जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर है वो हमारी क्या है, बिगनिंग रॉ मटेरियल. डेटा के अंदर आपका सारा चीज़ें गिवन है, बस आपने डेटा को यूटिलाइज़ करते जाना है और आंसर निकाल देना है. तो यहाँ पे आपको जो बिगनिंग रॉ मटेरियल दिया ना, वो दिया हुआ है 9000. यहाँ पे अब कुछ ब्लरी सा होगा लेकिन नज़र आ जाए तो अच्छी बात है. तो हम 9000 का रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक हो गया. प्लस हम करते हैं इसमें परचेजेस, ठीक है. जब हम परचेज़ की बात करते हैं तो परचेजेस हमें कितने की दी हुई हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,25,000, डेट विल बी 1,25,000. ठीक हो गया. अब ये दोनों को जब आप एडअप करेंगे, डेट विल हेल्प यू टू फाइंड मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़. आपके मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना है, 1,34,000. इसका सम आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया. इसके बाद हमने क्या करना है, माइनस एंडिंग रॉ मटेरियल निकालते हैं जो बाकी बच गया है. जब आप एंडिंग रॉ मटेरियल इसमें से निकालते हैं, एंडिंग रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 6000. अब ये भी ब्लरी सा है, आपको अगर नज़र आ जाए तो अच्छी बात है, आपके वैसे बुक्स के ऊपर ये दिया होगा. इसमें से माइनस कर देते हैं एंडिंग रॉ मटेरियल, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा रॉ मटेरियल यूज्ड का, वन लैख 34 में से जब 6000 माइनस किए तो 1,28,000 हमारे पास इसका जवाब आ गया. इसमें ऐड करते हैं प्लस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर आपको दी हुई है 70,000 की, आप उसमें ऐड करते हैं. जब डायरेक्ट लेबर ऐड किया आपने, इसके बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें, वो आपने ऐड अप करना है. तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, यहाँ पे ज़रा ढूंढ लेते हैं. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की टोटल वैल्यू आपको 1,05,000 दी हुई है, ठीक हो गया. ये आपके पास लिखा हुआ है तो हम 1,05,000 इसमें ऐड अप करते हैं, तो आपके पास जो आ जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास 1,28,000 प्लस 70,000 प्लस 1,05,000, इट विल बी 3,03,000. ठीक है, इसमें ऐड, ये आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई. इसमें अब आप ऐड अप करेंगे प्लस बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस, बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस जो आपको दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 17,000 का, वो आपने इसमें ऐड कर देना है. तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, 3,20,000 के करीब.
Later you have to remove the ending working process material. एंडिंग वर्किंग प्रोसेस मटीरियल आपको कितना दिया हुआ है 30,000 का, तो आप इसमें से 30,000 का एंडिंग रॉ मटीरियल माइनस करते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना बन गया, 320 में से 30 माइनस करें 2,90,000, ठीक हो गया। अब जब आपने एंडिंग माइनस किया कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर, दिस इज़ बेसिकली योर रिक्वायरमेंट नंबर वन, आपने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर वन कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्योंकि रिक्वायरमेंट नंबर टू के अंदर उन्होंने इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर की हुई है, और इनकम स्टेटमेंट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, जब हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जब हम बिगनिंग फिनिश्ड गुड्स की बात करते हैं, तो बिगनिंग फिनिश गुड्स उन्होंने हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, या तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे दी होगी, अब आपके पास जो बिगनिंग फिनिश गुड्स उन्होंने दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 20,000 के, यहाँ पे आपने 20,000 के बिगनिंग फिनिश गुड्स ऐड किए, 2,90,000 and 20 डेट विल बी 3,10,000, इसमें से माइनस कर देंगे एंडिंग फिनिश गुड्स जो कि उन्होंने कितने दिए हुए हैं 40,000 के, तो यहाँ पे 40,000 के एंडिंग फिनिश गुड इसमें से माइनस करते हैं, तो आपके पास जो CGS की वैल्यू आती है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, डेट इज़ इक्वलेंट टू 2,70,000। ये आपका CGS किस लिए हेल्प होगा, आपका दूसरी रिक्वायरमेंट जो कि इनकम स्टेटमेंट है वो निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या सॉल्व करना है, इनकम स्टेटमेंट, पहले सेल्स माइनस CGS, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग कि सर ये आपको पहले कैसे पता कि ये चीज़ें हैं, पहली तो बात है प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट भी है, दूसरी बात ये कि ये सिर्फ यही चीज़ें ही दी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उसके अलावा सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, यानी इसके अलावा कोई एक्सपेंस दिए ही नहीं है कि हम कहें कि सर वो एक्सपेंसेस भी आपको माइनस करने चाहिए। तो सेल्स उन्होंने कितने की दी हैं आपको, 5,00,000 की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की दी है, 2,70,000 की, जो हमने कैलकुलेट किया, तो 5,00,000 में से 2,70,000 माइनस किया, डेट विल गिव यू 2,30,000 एज योर ग्रॉस प्रॉफिट, 2,30,000 में से सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000 के, वो आपने माइनस कर देने हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,10,000 के, आपने वो माइनस कर देने हैं। जब आप ये सारे माइनस करेंगे तो आपके पास जो बकाया रह जाएंगे ना वो आपके पास नेट इनकम बच जाएगी जो कि है 1,00,000 के, बच जाएगी 2,10,080 गए उसमें से, तो 40,000 का आपका नेट इनकम आएगा, क्योंकि ये देखें ना 80 and 110, 190 बन गए, तो 2,30,000 में से 190 निकालें तो बाकी 40,000 नेट इनकम बचती है। अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो गई है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में कहते हैं कि अज्यूम डेट द कंपनी प्रोड्यूस इक्विवेलेंट ऑफ 10,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर जस्ट कंप्लीट, उन्होंने कहा कि 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, एवरेज कॉस्ट पर डायरेक्ट मटेरियल, आपने वो एवरेज कॉस्ट पर डायरेक्ट मटेरियल निकालना है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितने का इस्तेमाल हुआ है, जो आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ है वो हमने अभी कैलकुलेट किया 1,28,000 का डायरेक्ट मटेरियल आपका इतने का यूज़ हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 देखें, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, वन लैख 28,000 का,
एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देते हैं 10,000 पे, इट विल बी 1.28, 12.8 आई थिंक, 128 को 10 पे डिवाइड करें, कॉस्ट पर यूनिट यानी टोटल रॉ मटेरियल को 10,000 यूनिट्स पे डिवाइड करें तो 12.8 आपकी कॉस्ट पर यूनिट आती है। उसके ये रिक्वायरमेंट नंबर 3 सॉल्व हुआ है। उसके बाद और क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ यूनिट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए उन्होंने कितना कहा है कि 90,000 आपका फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट निकालने के लिए कितना क्या करेंगे, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 90,000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए हुए हैं, 10,000 यूनिट्स दिए हुए हैं। जब इसे डिवाइड करेंगे तो $9 पर यूनिट आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी, ठीक हो गया। उसके अलावा अब ये जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या फ़र्क है, वो लोग ये बात समझ लें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कि हमने टोटल जो उन्होंने हमें दिया है ना फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कि हमारे पास कहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ये 1,10,000 का, 1,05,000 का सॉरी, तो ये 1,05,000 जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है ये दो चीज़ों की कम्बिनेशन होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाए, और फिक्स का मतलब जो फिक्स रहेगा, जैसे कि हमारी फैक्ट्री का रेंट फिक्स है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि जी सर रेंट बढ़ा है या कम हुआ है, नहीं, वो डेट इज़ अ फिक्स्ड अमाउंट जो हर सूरत आपको पे करना ही करना है। जब आप फिक्स की बात कर रहे हैं तब आपने ये चीज़ टेंशन में, ये ध्यान में नहीं रखना कि सर कौन सी अमाउंट देनी पड़ेगी और कौन सी नहीं देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फिक्स निकालें, अब यहाँ पे हमें कितना मिला है 1,05,000, अगर हम कहते हैं 90,000 फिक्स है तो बाकी कितने थाउजेंड वेरिएबल होगा, 15,000 का, ये इन्होंने हमें दिया भी है 15,000 एज अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल एंड 90,000 फिक्स्ड, ये अमाउंट हमें दी हुई है। ये हमने रिक्वायरमेंट नंबर 3 सॉल्व कर दी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में क्या कहते हैं, अज्यूम दैट द कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 15,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट द कंपनी टू इनकर फॉर डायरेक्ट मटीरियल एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अज्यूम दैट डायरेक्ट मटीरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अब उन्होंने टोटल आपको कुछ चीज़ें बता दी, उन्होंने कहा ये हमें कैलकुलेट करके बताएं। पहले तो उन्होंने कहा यूनिट आपने क्या एक्सपेक्ट करना है, व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो आपका क्या कहते हैं मटेरियल जो आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर आपने यूनिट कॉस्ट कितनी निकाली थी, 12.8 यूनिट, ठीक है। अब आप 15,000 की प्रोडक्शन करेंगे, पर यूनिट कॉस्ट आपने कितनी एक्सपेक्ट करनी है, अगेन आप वही करेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट विल अगेन बी $12.8, ठीक है। ये क्योंकि हमने 10,000 यूनिट के साथ ये किया था, अब वो कहते हैं 15,000 यूनिट के साथ, अगर 15,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करें तो फिर पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट 12.8 ही रहेगी। अब उसका टोटल कॉस्ट निकालने को कहा है, यानी यहाँ पे देखें ना, व्हाट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट तो हमने पहले ही जो 12.8 ऊपर निकाली है वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वैसे ही रहेगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें 128,000 को 10,000 पे डिवाइड नहीं करना चाहिए, अभी इन्होंने यहाँ पे मटेरियल के लिए पूछा है, और मटेरियल में इस मतलब हमारा खर्चा कितना हुआ था 1,28,000 का, ये जो हमने मटेरियल निकाला था ना 1,28,000 यूज़ वाला, ये था ये 10,000 प्रोडक्शन के लिहाज से। यहाँ वो ये नहीं कह रहे कि 10,000 की प्रोडक्शन हुई है, वो कह रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग टू प्रोड्यूस 15,000, तो ये जो कैलकुलेशन 128,000 की है ये 10,000 के हिसाब से हुई, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है 12.8। दिस 12.8 पर यूनिट कॉस्ट विल रिमेन 12.8 यूनिट, अगर हम 15,000 की प्रोडक्शन करेंगे फिर मटेरियल का ये यूज़ वाली मटेरियल की कॉस्ट कुछ और आएगी, उसको जब 15,000 पे डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 12.8 ही आएगा, ठीक है। और साथ वो क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट द कंपनी टू इनकर फॉर द डायरेक्ट मटेरियल, तो कहते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो टोटल कॉस्ट फॉर मटीरियल पर यूनिट कॉस्ट कितनी है $12.8,
कितना मटेरियल इस्तेमाल, कितने यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, 15,000 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। जब आप 15,000 यूनिट्स के साथ इसकी वैल्यू निकालेंगे, डेट विल बी $1,28,000, ये टोटल कॉस्ट आएगी। अब आप जो बच्चे कहेंगे ना सर 12.8 ही आंसर आएगा, 1,92,000 को 15,000 पे डिवाइड कर दें तो जवाब वाकई आपका $12.8 आएगा। फिर साथ कहते हैं फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट कितनी आएगी, तो फिक्स तो अमाउंट फिक्स ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी 90,000 की। अब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा, तो आप $90,000 को डिवाइड कर दें 15,000 यूनिट्स के ऊपर, तो $6 पर यूनिट कॉस्ट आपके पास आएगी फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम नंबर 2-18। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2-19 हम स्किप करेंगे, 2-19 स्किप कर दिया। उसके बाद 2-20 हमने स्किप कर दिया। उसके बाद 2-21 पे आते हैं। 2-21 मे बी कंसीडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर यू। प्रॉब्लम नंबर 2-21। अब यहाँ पे इसमें रिक्वायरमेंट पड़े हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेक्शन बनाना है आपने। फॉर इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अज्यूम डेट डॉलर अमाउंट गिवन, ये आगे की कहानी हम बाद में पढ़ लेते हैं, पहले हम पूरी अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं। बिगनिंग रॉ मटीरियल कितनी दी हुई है, 40,000 का, ये आपके पास बिगनिंग रॉ मटीरियल दिया है 40,000 का। प्लस क्या कर देनी है, परचेजेस, परचेजेस आपको क्या दी हुई हैं, ऊपर दी हुई हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 2,90,000 का। तो बिगनिंग इतना है, परचेज इतना कर लिया, अवेलेबल टोटल कितना बन गया, इट विल बी 3,30,000। ठीक हो गया, इसमें से माइनस कर देते हैं एंडिंग रॉ मटेरियल। एंडिंग रॉ मटेरियल कितने का दिया हुआ है, 10,000 का, ये 10,000 का आ गया। तो यूज कितना हो गया, 3,20,000 का। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई है, अननोन वैल्यू दी हुई है, हमें इसका मालूम नहीं है, हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल स्टार बना देते हैं। प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू कितनी दी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू आपको दी हुई है 2,70,000। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने हमें पहले ही दे दी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर इज 6,83,000। तो 6,83,000 आप एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, ऑपोजिट चलना है। अब ये वाली बात जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही, तो हमें 3,20,000 इसको प्लस करना था, ये वाली अननोन वैल्यू प्लस 2,70,000। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमें पहले से मालूम हो गया, 6,83,000। तो अगर हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही है, टोटल में से ये निकाल दें, टोटल में से यानी 6,83,000 में से ये चीज़ भी निकाल दें और ये चीज़ भी निकाल दें, तो बाकी जो अननोन वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। तो 6,83,000 में से जब आप 3,20,000 माइनस करेंगे और 2,70,000 माइनस करेंगे, तो बाकी जो आपके पास जवाब बचेगा डेट इज़ बेसिकली 93,600। ठीक है, 93,000।
930,000 है, सॉरी 93,000 है, 600 नहीं है, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकल आया, इसमें आपने क्या ऐड करना है, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कितनी दी हुई है, अननोन दी हुई है, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको भी छोड़ देते हैं, माइनस कर देंगे इसमें से, इसका जो भी सम आएगा वो आएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो भी हमें नहीं पता, माइनस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 3 लाख, वो आपके पास 35,000 दिया हुआ है, ये आपके पास 35,000 एंडिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है, इसका जो टोटल है वो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि हमारे पास मालूम नहीं हो सकता क्योंकि बिगनिंग नहीं दिया हुआ, एंडिंग दिया हुआ है, ये भी मालूम नहीं है, इस वाली वैल्यू में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अभी ये भी नहीं है, इसे भी स्टार बना लेते हैं। इसमें क्या ऐड करना है, प्लस बिगनिंग फिनिश गुड्स उन्होंने 50,000 आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे 50,000 इसमें ऐड कर देंगे, जब आप ये टोटल ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, उसकी वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है 7,40,000 का, तो ये हम 7,40,000 लिख लेते हैं, ठीक है। इनमें से माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे स्टार बना लेंगे, और इसका जो जवाब आएगा वो क्या बनेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो टोटल वैल्यू है वो आपको 6,60,000 दी हुई है। अब बात यह है कि 7,40,000 में से ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करें तो जवाब 6,60,000 आया, तो क्रॉस वो इनवर्स तरीका इस्तेमाल करें, 7,40,000 में से हमने कोई चीज़ माइनस करनी है तो जवाब 6,60,000 आएगा। अब ये चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, प्लस इधर आ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 6,40,000 में से माइनस करें 6,60,000 को, जो डिफरेंस आ रहा है 80,000 का, अब 7,40,000 में से 80,000 माइनस करें तो वाकई जवाब 6,60,000 आएगा, तो यहाँ पे जवाब आ गया 80,000 का, ठीक है। ये दोनों आपने अब इसका देखें, यहाँ पे अब समझें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स में से प्लस करें 50,000 को तो आपके पास जवाब क्या आता है, 7,40,000 का। तो अब बात यह है कि सर वो एक्स है क्या, यानी ये चीज़ है क्या कि जिसमें प्लस करें 50,000 तो जवाब 7,40,000 आता है, तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 7,40,000 माइनस 50,000, माइनस किया तो आपके पास 6,90,000 आ गया, ठीक है, हो गया। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,90,000, इसे चेक कर लेते हैं कि 6,90,000 में जब प्लस करें 50,000 तो वाकई 7,40,000 आता है, यस आता है, ठीक हो गया। इसके बाद देखें कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अब यहाँ पे ये चीज़ हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, अब x में से माइनस करें 35,000, x में से माइनस करें 35,000 तो आपके पास जवाब क्या आ रहा है, 6,90,000, तो यहाँ 6,90,000 आ गया, ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू 6,90,000 प्लस करें 35,000 तो जवाब क्या आया, 7,25,000, अब जवाब क्या आ गया, 7,25,000, ठीक हो गया। अब ये चीज़ और इसमें, अब फिर यहाँ पे इसे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, हमारे पास 6,83,000 हमारे पास दिए हुए हैं, में प्लस करें x को और जो जवाब आपका क्या आता है, 7,25,000, अब 6 लाख x की वैल्यू निकालने के लिए प्लस 6,83,000, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 7,25,000 में से माइनस करें 6,83,000 तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, 7,83,000 में से माइनस करें 6,83,000 तो जवाब आपके पास आएगा 42,000 का, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 42,000 की आ जाएगी। अब यहाँ पे आपने पूरी स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी, यानी यहाँ से 6,83,000 ये चीज़ माइनस हमें मालूम नहीं थी, लेकिन ये अवेलेबल फॉर सेल में मौजूद था, तो हमने 7,80,000 में से इसको माइनस किया तो ये डिफरेंस आ गया,
ये चीज़ हमें मालूम नहीं थी, ये चीज़ मालूम थी, ये चीज़ मालूम थी, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके माइनस, 7,40,000 में से 50 माइनस करें तो 6,90,000। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, ये चीज़ हमारे पास मौजूद नहीं थी, ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही है, जब इस साइड पे आके प्लस होगी, 6,90,000 में प्लस करें 35,000 तो 7,25,000 आ गया। अब ये चीज़ आपके पास 7,25,000 आ गया। अच्छा, इसमें अब आपने क्या किया, ये 6,83,000 मौजूद है और ये 7,00,000, नहीं सॉरी गलती हो गई, ये भाई हमारे पास नहीं निकला, 6,07,25,000 में से माइनस करेंगे 6,83,000 तो हमारे पास जवाब आया 42,000 की बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री का। अब यहाँ पे 6,83,000 ये तो हमने वैसे ही निकाल लिया, ये हमारे पास इनका जो डिफरेंस आया था 6,83,000 में से जब हमने माइनस किया था 3,20,000, ये हमारे पास 93,000 आ चुका है, हमने इसकी वैल्यू पहले ही निकाल लिया। ठीक है, ये हमारे पास कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2-21 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, पार्ट 2 में कहते हैं कि अज्यूम डेट डॉलर अमाउंट गिवन अबव आर फॉर द इक्वलेंट 40,000 यूनिट प्रोड्यूस, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर डायरेक्ट मटीरियल। तो हमारे पास टोटल डायरेक्ट मटीरियल जो यूज हुआ है वो कितने का आया, 3,20,000 का। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए थ्री लैख 20,000 में से को डिवाइड कर लें 40,000 यूनिट्स पे, तो आपके पास जो जवाब आ रहा है डेट इज $8 पर यूनिट। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। साथ साथ वो क्वेश्चन नंबर 2 में, ये पार्ट नंबर 2 में ये भी पूछते हैं कि कंप्यूटर एवरेज कॉस्ट पर फॉर डायरेक्ट मटेरियल एंड एवरेज कॉस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे टोटल अमाउंट कितनी आई थी आपकी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पे टोटल अमाउंट आई थी 2,70,000 पर यूनिट। निकालने के लिए क्या होगा, कॉस्ट पर यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो आपके पास 2,70,000 का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, को डिवाइड कर लेंगे 40,000 यूनिट्स पे, तो आपके पास नियर अबाउट $6.75 पर यूनिट आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आएगा। डेट इज़ द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट नंबर 2। रिक्वायरमेंट नंबर 3 में क्या कहते हैं, अज्यूम डेट इन द फॉलोइंग ईयर द कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, वहाँ पे क्या है, इक्वलेंट टू 40,000 यूनिट, तो कॉस्ट 50,000 यूनिट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज फिक्स, व्हाट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पे भी वही वाली बात कि सर ऊपर वाली जो है ना $8 पर यूनिट, इस मतलब भी कॉस्ट पर यूनिट जो आपके पास आएगी डेट विल रिमेन $8, तो ये तो आ गया। एंड टोटल कॉस्ट भी अगर पूछी है, टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड फॉर डायरेक्ट मटीरियल, तो टोटल कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए $8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 यूनिट्स पे, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड यूनिट्स हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो आ जाएगी वो हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे देखें ना, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड फॉर डायरेक्ट मटेरियल, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपने क्या किया, $8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 50,000, तो 50 इट विल बी नियर अबाउट 4,00,000, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगी 4,00,000 आएगी टोटल कॉस्ट की फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको एक बात ध्यान में होनी चाहिए कि एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड फॉर डायरेक्ट मटीरियल। अब यहाँ पे इन्होंने ना ब्रैकेट में एक बात की, अज्यूम दैट डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो आपका पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना आया था, 6.75 यूनिट, ठीक है। अब 2,70,000 अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का खर्चा है, उसे डिवाइड करें 50,000 यूनिट्स पे, तो नियर अबाउट $5.40 पर यूनिट आएगा इस मरतबा, ठीक है। इसका रिक्वायरमेंट नंबर 4 हम स्किप कर रहे हैं, डैट इज़ द एंड ऑफ योर
प्रॉब्लम नंबर 2-21। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वाली बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ पे उन्होंने कह दिया ना वेरिएबल, इसका मतलब है जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है उसे नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे डिवाइड करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी 5.40 आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2-22 हम स्किप कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2-23 भी हम स्किप कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2-24 विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।